My dear student, first of all, I love to mention some very, very basic point about the mechanism of hormone action and the classification of hormone. It is really, really basic for you, right? Depending on the solubility, on the solubility of hormone, hormone are classified into main two type, ठीक है? एक होता है आपका water soluble hormone, और दूसरा जो टाइप है वो होता है आपका लिपिड सोल्युबल हार्मोन, राइट। तो एक्चुअली ये दो टाइप का हार्मोन का ही क्या करेंगे बताइए, मैकेनिज्म हमको जानना है, ठीक है, कि वाटर सोल्युबल हार्मोन जो है ये किस तरह के अपना टारगेट सेल और टिश्यू में काम करता है, और जो लिपिड सोल्युबल हार्मोन ये कुछ अलग तरीके से क्या करता है, कोई टारगेट टिश्यू एंड सेल में काम करता है, ठीक है। ये दोनों का फंक्शन, मोड ऑफ फंक्शन इज वेरी वेरी डिफरेंट। तो ये कोर टॉपिक में एंटर करने के पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको छोड़ाना चाहिए, ठीक है। ये याद रखना बेटा, दिस क्लासिफिकेशन इज डिपेंडिंग ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ हार्मोन। हार्मोन किससे सोल्युबल होगा, एक तो वाटर सोल्युबल हार्मोन, दूसरा एक है लिपिड सोल्युबल हार्मोन। अब यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी आपको बताऊंगा, ठीक है। एक तो है वाटर सोल्युबल हार्मोन इज कॉमनली कॉल्ड ऑल्सो हाइड्रोफिलिक हार्मोन, राइट। ये हाइड्रोफिलिक रहता है, मतलब दिस वाटर सोल्युबल हार्मोन इज रियली रियली वाटर लविंग हार्मोन, बट लिपिड सोल्युबल हार्मोन इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक हार्मोन, राइट। मतलब इससे क्या होता है बताइए, वाटर का कोई मेल नहीं है, दिस हार्मोन लिपिड सोल्युबल हार्मोन इज नॉट वाटर लविंग हार्मोन, ठीक। और दूसरा की पॉइंट है, ये सब पॉइंट आपको मतलब एग्जाम में बहुत परेशान करता है बेटा, नीट एग्जाम में। तो ये अगर आपका क्लियर रहा ना, तो कोई भी लेयर से आपको क्वेश्चन पूछे तो अटकने का कोई चांसेस ही नहीं है, ट्रस्ट ऑन मी, राइट। दूसरा बात, ये जो वाटर सोल्युबल हार्मोन मीन हाइड्रोफिलिक हार्मोन, इट कैन नॉट पास द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को मैंने CM के नाम से देखा है, ठीक है। CM स्टैंड फॉर सेल मेम्ब्रेन। अब यहां पर मैं एक क्या बनाऊंगा, सेल बनाऊंगा, ठीक है। और यहां पर आपको दिखाऊंगा, ये जस्ट एक बेसिक सेल है, बायोलॉजिकली एक्टिव सेल, और ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। यहां पर क्या है, इसका साइटोप्लाज्म, ये हो गया इसका साइटोप्लाज्म, मतलब यहाँ पे ज्यादा वाटर है, और सेल का आउटसाइड भी क्या है बेटा, वाटर है, ठीक है। तो ये जो वाटर सोल्युबल हार्मोन, मानो कि ये हो गया एक वाटर सोल्युबल हार्मोन, तो वाटर सोल्युबल हार्मोन मैंने क्या बताया, वाटर सोल्युबल हार्मोन कैनॉट पास द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन को कभी भी पास नहीं कर सकता, ठीक है। और दूसरा बात, ये जो लिपिड सोल्युबल हार्मोन, इट कैन ईजिली पास द सेल मेम्ब्रेन एंड कैन एंटर इन टू द सेल, ठीक है। ये क्या है, कैन पास द सेल मेम्ब्रेन, CM लिख देता हूँ शॉर्ट में, सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल है, सेल का ये जो रेगुलर बाउंड्री आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको एक्चुअली बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो आपका कौन सा बताइए, वाटर सोल्युबल हार्मोन, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाया, तो ये सेल के अंदर नहीं जा पाया। और जो लिपिड सोल्युबल हार्मोन, ये मान लो कि लिपिड सोल्युबल हार्मोन कैन डायरेक्टली एंटर इनसाइड द सेल, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है, दिस लिपिड सोल्युबल हार्मोन कैन पास द सेल मेम्ब्रेन, कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये बेसिक डिफरेंस है बेटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब
तीसरा पॉइंट जो आपको बड़ा मतलब शांति से याद रखना पड़ेगा। अब देखो बेटा, यहाँ पर तीसरा पॉइंट किसके बारे में आपको जानना है कि ये जो वाटर सोल्यूबल हार्मोन, यहाँ पर क्या होता है, रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन फॉर वाटर सोल्यूबल हार्मोन। ये जो यहाँ पर बताया, पहले लिख देता है, रिसेप्टर रिसेप्टर प्रेजेंट प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए, ये जो आपका वाटर सोल्यूबल हार्मोन है, ये तो सेल के अंदर नहीं जा पाया। इसका मतलब ये काम कैसे करेगा, ये इसका तो आपको मतलब ज्ञान होना चाहिए ना। यहाँ पर क्या रहता है, सेल मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीनिशियस रिसेप्टर होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये जो वाटर सोल्यूबल हार्मोन, ये क्या होता है, डायरेक्टली क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीनिशियस रिसेप्टर, यहाँ पर आके क्या होता है, बाइंड होता है और आगे इसका क्या करता है, फर्दर काम करता है, ठीक है। तो यही पॉइंट आपको लिख के दिया कि रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, दैट्स मीन आउटसाइड द सेल, ठीक, इन वाटर सोल्यूबल हार्मोन। बट दिस दिस लिपिड सोल्यूबल हार्मोन हैव नो रिसेप्टर ऑन द सेल मेम्ब्रेन, ठीक। सेल मेम्ब्रेन में कोई भी रिसेप्टर नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है, ये जो रिसेप्टर इसका रहेगा लिपिड सोल्यूबल हार्मोन का, ये रहेगा इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। क्या रहेगा बेटा, हैव इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, दैट्स मीन रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ये मान लो कि रिसेप्टर है, किसका रिसेप्टर है बताइए, ये आपका लिपिड सोल्यूबल हार्मोन का रिसेप्टर है। तो ये सेल के अंदर आके साइटोप्लाज्म में आके क्या करेगा, ये रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, ठीक है। इसलिए ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर को क्या बोलते बताइए, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर इज मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर, दैट दिस इंट्रासेलुलर रिसेप्टर एक्चुअली प्रेजेंट मोस्टली इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर को न्यूक्लियर रिसेप्टर, या तो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर भी बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर भी बोला जाता है, ठीक है बेटा। ये बेसिक जानकारी है, आपको मतलब कैसे भी कभी भी भूलना नहीं, ठीक। दूसरा और एक पॉइंट यहाँ पर, ये पॉइंट तो आपको मतलब कभी भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया, ठीक। ये जो आपका वाटर सोल्यूबल हार्मोन, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर। ये क्या करता है बेटा, जेनरेट सेकेंड मैसेंजर, जेनरेट सेकेंड मैसेंजर इनसाइड द सेल, ठीक है। ये बाहर बाइंड होगा पर सेल के अंदर ये क्या करेगा बताइए, सेकेंड मैसेंजर प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। और सेकेंड मैसेंजर का एग्जांपल क्या क्या है, मैं यहां पर आपको बता देता है एग्जांपल, एक्चुअली इट इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंड मैसेंजर, ठीक, जो वाटर सोल्यूबल हार्मोन प्रोडक्शन कर रहा है। अब सेकेंड मैसेंजर का एग्जांपल है पर मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल क्या है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, उसके बाद साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, उसके बाद इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, IP3 को इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, उसके बाद DAG डैग स्टैंड फॉर डाई एसाइल ग्लिसरॉल, उसके बाद और है कैल्शियम आयन, ठीक है, ETC एटसेट्रा। ये क्या है बताइए, ETC आर इम्पोर्टेंट सेकेंड मैसेंजर व्हिच इज जनरेट बाई द वाटर सोल्यूबल हार्मोन इन साइड द सेल, ठीक है बेटा। ये बहुत अच्छे से याद रखना। तो इसमें से ये क्या है, CAMP, इसका मतलब क्या है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, उसके बाद CGMP का मतलब क्या है, साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, उसके बाद IP3 का नाम क्या है, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, DAG का नाम क्या है, डाई एसाइल ग्लिसरॉल, ये तो कैल्शियम आयन डबल प्लस आयन, और ये सभी क्या है बताइए, सेकेंड मैसेंजर, जो क्या करता है, वाटर सोल्यूबल हार्मोन सेल के अंदर प्रोडक्शन करता है। बट ये जो लिपिड सोल्यूबल हार्मोन, ये क्या प्रोडक्शन करता है, इट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, तो रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देखिए ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या है, मैं ये भी बताता आपको। ये देखिए, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन सीधा कहाँ पर माइग्रेट करके सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ गया था,
अंदर आके ये क्या करा, एक इसका प्रोटीनिशियस रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में या तो न्यूक्लियस के अंदर जाके ये बाइंड हुआ। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, हार्मोन बाइंड होने के बाद रिसेप्टर में जो कॉम्प्लेक्स है इसको एक्चुअली बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है बेटा, तो ये क्या होता है, इसमें लिपिड सोल्युबल हार्मोन में जनरेट होता है। ठीक, अब हम देखते एग्जाम्पल ऑफ, एक्चुअली एग्जाम्पल ऑफ वाटर सोल्यूबल हार्मोन, वाटर सोल्यूबल हार्मोन का कुछ एग्जाम्पल देख लेते, एज वेल एज यहाँ पर देख लेते लिपिड सोल्यूबल हार्मोन का कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल देखते एग्जाम्पल, ठीक है, ये हो गया सेकेंड मैसेंजर का एग्जाम्पल, गड़बड़ मत करना। और ये अभी क्या बताने जा रहा हूँ, वाटर सोल्यूबल हार्मोन का एग्जाम्पल एज वेल एज लिपिड सोल्यूबल हार्मोन का एग्जाम्पल। तो अपना बॉडी में क्या होता है, एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स कुछ हार्मोन होता है, ठीक है, ये एक्चुअली कुछ हार्मोन होता है जो हार्मोन डायरेक्टली एमिनो एसिड से बनता है, तो उसको बोलते हैं एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन। ठीक है, तो ये जो एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन, एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, ये क्या होता है, एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन इज एक्चुअली द एग्जांपल ऑफ वाटर सोल्यूबल हार्मोन। उसके बाद और भी होता है पेप्टाइड हार्मोन, उसके बाद प्रोटीन हार्मोन ईटीसी, ये सब क्या है बेटा, वाटर सोल्यूबल हार्मोन का एग्जांपल है। ठीक, आगे आप और डिटेल्स में सीखेंगे कि ये सब हार्मोन क्या है, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में लेक्चर डिलीवर कर दिया आपको। ठीक है, और दूसरा बात, ये जो आपका लिपिड सोल्यूबल हार्मोन इज मोस्टली स्टेरॉइड हार्मोन, राइट। और स्टेरॉइड हार्मोन में जो मोस्ट पॉपुलर हार्मोन है उसका नाम क्या है, एक तो है ईस्ट्रोजन फाउंड इन फीमेल, एंड प्रोजेस्टेरॉन, इट इज ऑल्सो फाउंड इन फीमेल प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, उसके बाद मेल में मिलता है टेस्टोस्टेरॉन, उसके बाद कॉर्टिसोल, ईटीसी आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एक्चुअली द लिपिड सोल्यूबल हार्मोन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये लेसन में हमको किसके बारे में जानकारी लेना है बताइए, कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस वाटर सोल्यूबल हार्मोन, एज वेल एज व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस लिपिड सोल्यूबल हार्मोन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपने देख लिया कि वाटर सोल्यूबल हार्मोन कभी भी सेल के अंदर जाके काम नहीं करता, ठीक, और लिपिड सोल्यूबल हार्मोन सेल के अंदर जाके काम करता है, तो इसलिए ये इसका काम करने का तरीका भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो क्या अलग होगा और कैसे काम करेगा, यही ये लेसन में हमको क्या करना है बताइए, जानना है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है बेटा, हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट सेल और टिश्यू बाई बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीनिशियस रिसेप्टर दैट इज कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर। बेटा ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, क्या बताया मैंने कि हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट सेल, जो टारगेट सेल में हार्मोन काम करेगा उसके ऊपर इफेक्ट करता है, कैसे इफेक्ट करता है, वो टिश्यू के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है, कि ये मैं फिर से बताता हूँ, हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट सेल और टिश्यू बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर दैट इज कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर। ये हार्मोन रिसेप्टर सेल के बाहर भी होना हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। ठीक है, एंड दैट इज लोकेटेड ऑन द टारगेट सेल और टिश्यू। ठीक है बेटा, तो यही मैंने बात आपको बताया कि ये हार्मोन किस तरह से काम करेगा। ये हार्मोन, ये लाइन में यही बताया कि हार्मोन को काम करने के लिए क्या होना है, उसको बाइंड होने के लिए एक जगह चाहिए। अब बाइंड होने के लिए जो जगह है ये, इसको क्या बोलते हैं, हार्मोन रिसेप्टर। ठीक है, जैसे कि ये भी क्या है बताइए, ये भी सेल के अंदर है, पर ये क्या है, ये भी हार्मोन का रिसेप्टर है, बट इट इज इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर एंड इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। दिस एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। ठीक है, तो देखिए ये तो जो हार्मोन का क्लासिफिकेशन बताया, इट इज एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन द सोल्युबिलिटी, बट हार्मोन
को और एक तरीके से क्या किया गया बताइए, क्लासिफाई किया गया, जैसे कि इट इज दिस क्लासिफिकेशन इज एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन द केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। ठीक, अब वो भी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम कोर टॉपिक में एंटर करेंगे कि कैसे ये वाटर सोल्यूबल हार्मोन काम करता है, उसका मेकानिज्म क्या है, और ये लिपिड सोल्यूबल हार्मोन भी किस तरह से काम करता है। उससे पहले क्लासिफिकेशन खत्म कर लेते, राइट बेटा, इतना आप कॉपी करो पहले। नाउ आई ऑलरेडी मेंशन, डिपेंडिंग ऑन द केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन, एक्चुअली हार्मोन आर कैटेगराइज इनटू फोर मेजर ग्रुप। ठीक है, केमिकल नेचर के ऊपर डिपेंड करके हार्मोन को चार मेजर ग्रुप में क्या कर दिया गया बेटा, डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो वो चार ग्रुप क्या है, पहला ग्रुप जो है उसको बोलते हैं पेप्टाइड हार्मोन, PEPTID, पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन को पॉलीपेप्टाइड हार्मोन भी बोला जाता है, पॉली पेप्टाइड हार्मोन भी बोला जाता है, या तो प्रोटीन हार्मोन भी बोला जाता है, प्रोटीन हार्मोन। ठीक है, तो ये फास्ट ग्रुप है। अब यहां पर आपको एग्जांपल याद रखना पड़ेगा कि पेप्टाइड हार्मोन या तो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन या तो प्रोटीन हार्मोन एक्चुअली कौन सा हार्मोन है। तो अभी अभी आपको बताया भी, ये जो हार्मोन है ये एक्चुअली क्या होता है, वाटर सोल्यूबल हार्मोन होता है, हाइड्रोफिलिक हार्मोन होता है। ठीक है, तो इसका डिटेल्स एग्जाम्पल जान लेते हैं, जैसे कि ये हो गया इंसुलिन, इंसुलिन हो गया, उसके बाद ग्लूकागन हो गया, ग्लूकागन। ठीक है, इंसुलिन ग्लूकागन इट इज द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन। ठीक है बेटा, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड से जितना भी हार्मोन रिलीज होता है, मैक्सिमम हार्मोन क्या है बताइए, ये आपका पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन। ठीक है, हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, हार्मोन, हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी, पिट्यूटरी एंड ऑल्सो हार्मोन ऑफ हाइपोथैलामिक हार्मोन, हाइपो थैलामिक, हाइपोथैलामिक हार्मोन ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड हार्मोन, राइट। एंड सेकेंड ग्रुप, सेकेंड ग्रुप जो है ये इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, तो ये जो स्टेरॉइड हार्मोन है इट इज मोस्टली सिंथेसाइज फ्रॉम कोलेस्टेरॉल, CHOLESTO, कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल, राइट। मोस्टली ये जो स्टेरॉइड हार्मोन ये कहाँ से डिराइव होता है, सिंथेसाइज होता है बेटा, कोलेस्टेरॉल से डिराइव होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखेंगे अभी, ठीक, कि स्टेरॉयड हार्मोन का एक्चुअली एग्जांपल क्या है, जैसे कि यहां पर बताया आपका, थोड़ी देर पहले ही बताया था, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका मेल में क्या पाया जाता है, टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, फीमेल में पाए जाते द लवली हार्मोन ईस्ट्रोजेन, ईस्ट्रोजेन। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, टेरॉन। ठीक है, टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, राइट, प्रोजेस्टेरॉन, ETC। ठीक है, और भी बहुत सारा है पर मैं यहाँ पर बेसिक आपको आइडिया डेवलप करा रहा हूँ। और तीसरा जो ग्रुप है डिपेंडिंग ऑन द केमिकल नेचर वो है आपका आयोडोथाइरोनिन्स। क्या है बेटा, आयोडो, IODO, आयोडो थाइरो निन्स। ठीक है, मतलब ये जो हार्मोन सिंथेसाइज होगा इसके लिए ऑब्वियसली क्या लगेगा बताइए, आयोडीन लगेगा। ठीक है, आयोडीन का जरूरत होगा, इसलिए ये हार्मोन, हार्मोनल जो ग्रुप है इसको क्या बोला गया बताइए, आयोडो थायरोनिन। तो आयोडो थायरोनिन का मोस्ट पॉपुलर एंड वन वे एग्जांपल इज एक्चुअली हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो इसको बोलते थायराइड हार्मोन भी बोला जाता है, थायराइड हार्मोन। ठीक है, थायराइड हार्मोन इज मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल ऑफ आयोडोथायरोनिन। एंड द लास्ट ग्रुप दैट इज कॉल्ड एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स। ठीक है, कुछ ऐसा भी हार्मोन अपना बॉडी के अंदर सेक्रेट होगा, सिंथेसाइज होगा,
ठीक है, जो डायरेक्टली कहां से सिंथेसाइज होगा, ये सिंथेसाइज होगा आपका एमिनो एसिड से। तो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा एपिनेफ्रिन, एपी नेफ्रिन, ठीक है, और नाम सुना होगा नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपी नेफ्रिन, ठीक है। तो ये क्या है, ये एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन। और ये कौन सा एमिनो एसिड से डिराइव होता है बेटा, इट इज डिराइव फ्रॉम द एमिनो एसिड टाइरोसिन, टाइरोसिन, ठीक है, टाइरोसिन एमिनो, बेटा ये याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइरोसिन एमिनो एसिड से कौन सा हार्मोन डिराइव होता है बताइए, एक तो एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन का और एक नाम है, इसको बोलते हैं एड्रिनलिन, एपिनेफ्रिन इज ऑल्सो कॉल्ड एड्रिनलिन, एंड नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन को क्या बोलते हैं, नॉर एड्रिनलिन भी बोला जाता है, ठीक है, आप यहाँ पर नोट डाउन कर लेना। और दूसरा और दो हार्मोन का पॉपुलर हार्मोन का एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, जैसे कि एक है मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन, ठीक है, एक है मेला टोनिन एंड दूसरा कौन है सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, ठीक है। ये जो मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन, इट इज एक्चुअली डिराइव फ्रॉम द एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन, कौन सा एमिनो एसिड से डिराइव होगा बेटा, ट्रिप्टोफैन, ठीक है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आई होप दिस आइडिया इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। अब हम एंटर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम देखेंगे द मेकानिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एक्चुअली वाटर सोल्यूबल हार्मोन एज वेल एज लिपिड सोल्यूबल हार्मोन। तो पहले सबसे पहले डिस्कस करेंगे वाटर सोल्यूबल हार्मोन, राइट, इतना कॉपी करो आप बेटा। सो माय डियर, नाउ वी हैव टू रियली इन्वेस्टिगेट द मेकानिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वाटर सोल्यूबल हार्मोन, राइट, कि वाटर सोल्यूबल हार्मोन किस तरह से काम करता है। एंड जस्ट कंसीडर दैट इज ए बायोलॉजिकली एक्टिव सेल एंड दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ सेल एंड दिस रेगुलर बाउंड्री ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, राइट। अब ये सेल मेम्ब्रेन का थोड़ा सा पार्ट, ये वाला पार्ट मैं क्या करूँगा आपको जूम करके दिखाऊंगा, ठीक है, ये पार्ट मैं जस्ट ये पार्ट आपको क्या करूँगा जूम करके दिखाऊंगा कि हाउ द वाटर सोल्यूबल हार्मोन एक्ट ऑन द टारगेट टिश्यू और टारगेट सेल, ठीक। जस्ट कंसीडर दैट इज आवर बाइलियर सेल मेम्ब्रेन, आप जानते हैं ना बेटा ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन इज बाइलियर स्ट्रक्चर, हाँ ये तो आप सेल बायोलॉजी में सीख ही चुके होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, बाइलियर सेल मेम्ब्रेन, एक्चुअली थोड़ा सा पार्ट मैं बना के आपको दिखा ही देता, राइट, ये एक्चुअली क्या है बताइए, बाइलियर सेल मेम्ब्रेन, और ये जो गोला गोला बना रहा हो इट इज कॉल्ड ग्लिसरॉल हेड, राइट, ग्लिसरॉल हेड ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल, और ये क्या बना रहा हो अभी फैटी एसिड टेल, ठीक, फैटी एसिड टेल ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल, राइट, हाँ ये हो गया फैटी एसिड टेल ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, दिस सेल मेम्ब्रेन इज जस्ट लाइक मेंटेन थ्रू आउट, जस्ट लाइक दैट, एंड इन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन समटाइम देर इज सम स्पेशल प्रोटीन इंसर्टेड, राइट, कुछ स्पेशल प्रोटीन क्या रहेगा, इंसर्टेड रहेगा ये बीच बीच में, सेल मेम्ब्रेन का बीच बीच में इस तरह से कुछ स्पेशलाइज प्रोटीन क्या रहेगा बताइए, इंसर्टेड रहेगा, जो क्या करेगा ये प्रोटीन क्या करेगा बताइए, रिसेप्टर का काम करेगा फॉर द हार्मोन, ये प्रोटीन किसका काम करेगा बता बेटा बताइए, ये रिसेप्टर का काम करेगा, ठीक है, एक्चुअली दिस प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसीविंग द हार्मोन एंड आफ्टर दैट इट्स गिव इट्स बायोलॉजिकल एक्शन, ठीक है। तो मैं ये सेल मेम्ब्रेन का ये पार्ट आपको रैपिडली बना के देखा था, हाँ तो बेटा ये हो गया आपका बाइलियर सेल मेम्ब्रेन, ये वाला सेल मेम्ब्रेन का पार्ट जो मैंने जूम करके यहाँ पर देखा, तो दिस सेल मेम्ब्रेन इज एक्चुअली बाइलियर। अब ये जो सेल है जिसका सेल मेम्ब्रेन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये क्या है बताइए, हार्मोन का काम करने के लिए ये जो सेल है इट इज द टारगेट सेल फॉर द
वर्किंग ऑफ हार्मोन। अब यहाँ पर हम वाटर सोल्यूबल हार्मोन का मतलब एक्शन देख रहे हैं। तो वाटर सोल्यूबल हार्मोन में मान लो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इट इज वाटर सोल्यूबल हार्मोन एंड दिस वाटर सोल्यूबल हार्मोन, जस्ट कंसीडर दिस वाटर सोल्यूबल हार्मोन इज कॉल्ड एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं एपिनेफ्रिन इज ऑल्सो कॉल्ड एड्रीनलिन, एड्रीनलिन, ठीक। तो अब आप जानते हैं कि वाटर सोल्यूबल हार्मोन जो है इट कैन नॉट पास द सेल मेम्ब्रेन, ठीक। मानिए कि ये हार्मोन मॉलिक्यूल, ठीक है, जो कोई एंडोक्राइन सेल से, एंडोक्राइन टिश्यू से क्या हुआ, ये हार्मोन सेक्रेट हुआ और ये हार्मोन काम करने के लिए कहाँ पर आ गया, ये टारगेट सेल के मतलब मेम्ब्रेन तक आ गया, ठीक। और अब ये भी जान चुके हैं कि ये जो हार्मोन है, हार्मोन, दिस हार्मोन इज कैन नॉट अनेबल टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक, और ये सेल के अंदर नहीं जा सकता, साइटोप्लाज्म में नहीं जा सकता। तो ये मेम्ब्रेन के ऊपर ही क्या है, बाउंड हुआ होके कुछ काम करेगा, बाइंड होके कुछ काम करेगा। तो मेम्ब्रेन के ऊपर ये कहाँ पर बाइंड होगा, ये देखिए यहाँ पर कुछ प्रोटीन बनाया मैंने, ये प्रोटीन एक्चुअली क्या है, दिस प्रोटीन इज एक्चुअली कॉल्ड द रिसेप्टर ऑफ हार्मोन। ये रिसेप्टर पे आके क्या करेगा, ये हार्मोन बाइंड होगा तब भी ये हार्मोन क्या करेगा, कुछ बायोलॉजिकल एक्शन देगा, अंदर सेल के अंदर कुछ काम होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कुछ और बात बताना है, ये जो रिसेप्टर प्रोटीन है हार्मोन के लिए, जो रिसेप्टर प्रोटीन है यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, ये इसके साथ जब कोई हार्मोन बाइंड नहीं होता तो क्या होता है, ये इनएक्टिव कंडीशन में रहता है और इनएक्टिव कंडीशन में इसके साथ और क्या रहता है बताइए, और एक प्रोटीन जुड़ा हुआ रहता है जिसका नाम जी प्रोटीन, ठीक है। क्या क्या नाम है बेटा इसका, नाम एक्चुअली जी प्रोटीन। तो जी प्रोटीन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 3 सब यूनिट, अल्फा, बीटा एंड गामा सब यूनिट, ठीक है। तो ये 3 सब यूनिट वाला जो प्रोटीन है इसको बोलेंगे जी प्रोटीन। और जी प्रोटीन एक्चुअली किसके साथ अटैच है बताइए, जी प्रोटीन इज एक्चुअली अटैच विद द रिसेप्टर ऑफ हार्मोन, दिस रिसेप्टर प्रोटीन से क्या है, ये अटैच है, ठीक है। तो इसलिए ये दो कॉम्प्लेक्स को एक साथ क्या बोलेंगे, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक, ये भी बात आप याद रखना बेटा। तो अभी देखिए ये प्रोटीन अभी क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स है जी प्रोटीन विद दिस रिसेप्टर ऑफ हार्मोन, इट इज एक्चुअली इनएक्टिवेटेड रिसेप्टर। तो इनएक्टिवेटेड रिसेप्टर के साथ यहाँ पर क्या होता है, अल्फा सब यूनिट के साथ यहाँ पर जी डी पी बाइंड होके रहता है। GDP स्टैंड फॉर गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट बाइंड होके रहता है। तो ये इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई हार्मोन अभी तक बाइंड नहीं हुआ। अब देखिए यही रिसेप्टर पे क्या हुआ, जाके ये हार्मोन मान लो कि बाइंड हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, ये रिसेप्टर अभी क्या हो गया, ये पहले क्या था, स्विच ऑफ था। ये क्या था बेटा, यहाँ पर मैं दिखा देता आपको डायग्राम बना के, ये पहले इसके ऊपर क्या था बेटा बताइए, कोई भी क्या नहीं था बताइए, कोई भी हार्मोन यहाँ पर बाइंड नहीं हुआ था, ठीक है, जिसके वजह से ये क्या था, स्विच ऑफ था, ठीक है, स्विच ऑफ था। तो ये अभी क्या है, ऑफ होके बैठा हुआ है, ठीक है। अब जब ये क्या था बताइए, ये प्रोटीन के ऊपर, ये रिसेप्टर के ऊपर आके हार्मोन बाइंड हुआ, तो ये अभी पटाक से क्या हो गया बताइए, ये हो गया आपका स्विच ऑन, क्या हो गया बेटा, ये एक्चुअली हो गया स्विच ऑन हो गया, राइट, हाँ ये अभी स्विच ऑन हो गया, ठीक है, राइट, देखिए अभी स्विच ऑन हो गया, मतलब ये एक्टिवेटेड हो गया। तो एक्टिवेटेड होके इसके साथ और क्या क्या था बताइए, यहाँ पर 3 सब यूनिट वाला, 3 सब यूनिट वाला यहाँ पर क्या था, जी प्रोटीन भी इसके साथ क्या था बताइए, बाइंड था, ये अल्फा, बीटा एंड और एक सब यूनिट जिसका नाम
गामा सब यूनिट, ठीक है। तो ये अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा। अब जब भी ये हार्मोन इसके ऊपर बाइंड हुआ तो क्या हुआ, ये जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर क्या हो गया, स्विच ऑन हो गया। स्विच ऑन होके ये क्या कर दिया, अंदर का ये जो जी प्रोटीन इसको एक्टिवेटेड कर दिया। एक्टिवेटेड कैसे करा, इसके साथ अल्फा सब यूनिट के साथ एक्चुअली बाइंड क्या था, जीडीपी। तो जीडीपी को इस इन्होंने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, बताइए, जीटीपी। जीटीपी बाइंड हुआ अभी और जीडीपी को यहां से क्या करा, खदेड़ दिया इन्होंने, ठीक है। जीडीपी, ये जीडीपी, ये जो ग्रू था, ठीक है, बाइंडिंग ग्रू, यहां से जीडीपी हट गया और वहां पर बाइंड हो गया कौन, बताइए, द एनर्जी मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड जीटीपी, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसके साथ बाइंड होता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, जी प्रोटीन, ठीक है। और ये जी प्रोटीन किसके साथ कपल किया, बताइए, कपल किया रिसेप्टर ऑफ दिस हार्मोन दैट इज कॉल्ड एपिनेफ्रिन रिसेप्टर, इसके साथ बाइंड हुआ। अब देखिए क्या हुआ, अब जब भी ये एक्टिवेटेड हुआ तब क्या हुआ, ये एक्टिवेटेड होके अल्फा सब यूनिट क्या हो गया, जीटीपी लेके बीटा गामा सब यूनिट से क्या हो गया बेटा, अलग हो गया। देखिए मैं यहां पर बताता आपको, ये जो अल्फा सब यूनिट, ठीक है, ये अल्फा सब यूनिट विथ कॉन्टेनिंग जीटीपी, क्या कंटेन कर रहा है ये बताइए, जीटीपी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये अलग हो गया किसके साथ, किसके किससे किसके साथ बताइए, ये अलग हो गया बीटा गामा सब यूनिट से, ये हो गया अल्फा सब यूनिट और ये कौन है, बीटा एंड गामा, ठीक है। तो ये जब भी अलग हो गया ना तब क्या हो गया, बीटा गामा सब यूनिट भी एक्टिवेटेड हो गया, बीटा गामा सब यूनिट भी एक्टिवेटेड हो गया और साथ में ये तो एक्टिवेटेड हुआ ही, ठीक। अब ये एक्टिवेटेड बीटा गामा सब यूनिट एंड अल्फा सब यूनिट ये एक्टिवेट करा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट और एक प्रोटीन को, ये जो प्रोटीन है ये क्या है, अभी इनएक्टिव है, क्या है बेटा, ये प्रोटीन जो है अभी क्या है, इनएक्टिव प्रोटीन है। और ये इनएक्टिव प्रोटीन को क्या बोलते हैं, एडीनाइलेट साइक्लेज, क्या बोलते बेटा, एडीनाइलेट साइक्लेज, साइक्लेज, ठीक है, एडीनाइलेट साइक्लेज अभी इनएक्टिवेटेड कंडीशन में। तो ये इनएक्टिवेटेड एडीनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट कौन करेगा बताइए, एक्टिवेट कर देगा आपका ये बीटा गामा सब यूनिट एज वेल एज दिस अल्फा सब यूनिट, ठीक है। तो अब क्या हो गया बताइए, अब आपका ये जो इनएक्टिवेटेड एडीनाइलेट साइक्लेज इट बिकम रियली रियली एक्टिव, राइट। ये देखिए ये रियली रियली क्या हो गया बताइए, एक्टिव हो गया, राइट, एक्टिव हो गया, कौन एक्टिव हुआ, एडीनाइलेट साइक्लेज एक्टिव हुआ, ठीक है। तो इनिशियली एक्टिव कौन करा बताइए, ये हार्मोन जिसका नाम एड्रिनलिन या तो एपिनेफ्रिन। अब क्या करेगा बेटा, ये जो आपका कौन बताइए, एडीनाइलेट साइक्लेज, ये एक खास काम कर देगा एक्टिवेट होके, ये क्या करेगा, एक्चुअली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेकेंड मैसेंजर, ठीक है, ये सेकेंड मैसेंजर प्रोडक्शन करेगा। मैंने आपको बताया था कि जो वाटर सोल्यूबल हार्मोन ये सेल के अंदर जाके क्या प्रोडक्शन करता है बेटा, ये प्रोडक्शन करता है सेकेंड मैसेंजर। तो सेकेंड मैसेंजर कहाँ से प्रोडक्शन करेगा, इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम एटीपी, ठीक है। तो ये एडीनाइलेट साइक्लेज एटीपी को कन्वर्ट कर देगा किसमें बताइए, ये एटीपी को कन्वर्ट कर देगा साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये याद रखना, ठीक है। एटीपी का लॉन्ग फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को क्या कर दिया, एडिन एक्टिवेटेड एडीनाइलेट साइक्लेज कन्वर्ट द एटीपी इनटू साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड दिस साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इज कॉल्ड द सेकेंड मैसेंजर, द ब्यूटिफुल सेकेंड मैसेंजर, ठीक है। एंड सम अनदर सेकेंड मैसेंजर इज जैसे कि साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट और एक है जैसे कि इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट जिसको बोलते हैं IP3, उसके बाद और एक सेकेंड मैसेंजर जिसका नाम DAG डाई एसाइल ग्लिसरॉल, और भी सेकेंड मैसेंजर है जैसे कि कैल्शियम आयन, ठीक है। तो अलग अलग जो हार्मोन है ये क्या करेगा, अलग अलग सेकेंड मैसेंजर को प्रोडक्शन करेगा। तो ये जो एपिनेफ्रिन मीन एड्रिनलिन, इन्होंने कौन सा
सेकेंड मैसेंजर प्रोडक्शन करा बताइए, इन्होंने प्रोडक्शन करा साइक्लिक एएमपी या साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब क्या होगा, ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या करेगा, सेल के साइटोप्लाज्म में बैठा हुआ एक और इनएक्टिवेटेड प्रोटीन को क्या करेगा, ये एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, ये हो गया सेल का साइटोप्लाज्म में बैठा हुआ एक इनएक्टिवेटेड प्रोटीन, ठीक है, जिसका नाम प्रोटीन काइनेज, मैंने पी के से लिख दिया। अब प्रोटीन काइनेज, इनएक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज के ऊपर आके बाइंड हो जाता है, कौन बताइए, बाइंड हो जाता है आपका साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये आके चार ग्रुप में यहाँ पर क्या होता है, बाइंड हो जाता है। तो ये इनएक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज देन रियली रियली कन्वर्ट इंटू एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ए, किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, इनएक्टिवेटेड जो प्रोटीन काइनेज ये अभी कन्वर्ट हो गया एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ए, किसमें कन्वर्ट हुआ, प्रोटीन काइनेज ए में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब वो प्रोटीन काइनेज ए इज रियली रियली एक्टिवेटेड एंजाइम। ठीक है बेटा, अब ये प्रोटीन काइनेज ए फर्दर और काम करेगा। ठीक है, थोड़ा सा धीरज रखिए बेटा, ये जो पोर्शन है ना आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी लेयर का क्वेश्चन हो आप क्रैक करके ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोटीन काइनेज ए एक्चुअली क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है कोई और इनएक्टिवेटेड एंजाइम को। ठीक है, और ये इनएक्टिवेटेड एंजाइम कौन है बताइए, फॉस्फोराइलेज काइनेज, कौन है बेटा, फॉस्फोराइलेज काइनेज। ठीक है, तो ये फॉस्फोराइलेज काइनेज पहले क्या था, इनएक्टिव था, तो ये इनएक्टिव फॉस्फोराइलेज काइनेज को अभी क्या कर दिया, एक्टिवेट कौन कर दिया बताइए, एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ए, ये एक्टिवेटेड कर दिया। अब ये फॉस्फोराइलेज काइनेज फिर क्या करता है, फाइनली और एक एंजाइम को सेल के साइटोप्लाज्म में एक्टिवेट कर देता है, फाइनल एंजाइम, दैट इज द चैंपियन फाइनल एंजाइम। ठीक है, ये चैंपियन फाइनल एंजाइम को एक्टिवेट कौन करता है, एक्टिवेटेड फॉस्फोराइलेज काइनेज। ठीक है, जो फॉस्फोराइलेज काइनेज को एक्टिवेट कौन करा, एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ए। तो ये फाइनल जो एंजाइम है इसका नाम एक्चुअली क्या है बताइए, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, क्या नाम है बेटा, इसका नाम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज। ठीक है, एक्चुअली ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इंटू ग्लूकोज। ठीक है, ये क्या करता है बेटा, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन आप जानते हैं कि एक पॉलीसेकेराइड है, सेल का स्टोर एनर्जी। ठीक है, स्टोर एनर्जी जो स्टोर करके रखते हैं सेल फ्यूचर यूज के लिए। ठीक, तो ये ग्लाइकोजन को अभी क्या करेगा, ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज कन्वर्ट कर देगा किसमें बताइए, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ये ग्लाइकोजन इज नाउ कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, और ग्लूकोज में कन्वर्ट करके इसको क्या क्या बताइए, ये ग्लूकोज को एक्चुअली भेज दिया कहाँ पे बताइए, ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया। ठीक है, ये आपका ब्लड वेसल है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, ये ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करके ये कहाँ पर भेज दिया, ब्लड में भेज दिया। ठीक है, ये ब्लड में अभी कौन घूम रहा है बताइए बेटा, आपका ग्लूकोज घूम रहा है। ठीक है, तो इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ बेटा, इनडायरेक्टली यही मतलब हुआ कि ये जो आपका फाइनल एंजाइम कौन है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इंटू ग्लूकोज, एंड दिस ग्लूकोज इज रिलीज इंटू द ब्लड स्ट्रीम, दैट्स मीन ब्लड ग्लूकोज लेवल बिकम हाई। ठीक है, दैट इज द वन फंक्शन ऑफ एड्रीनलिन और एपिनेफ्रिन, एंड एज वेल एपिनेफ्रिन और एड्रीनलिन हैव लॉट्स ऑफ फंक्शन इन आवर बॉडी, टारगेट सेल और टारगेट टिश्यू। ठीक है, तो यही है क्या बताइए, बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एक्चुअली द वाटर सोल्यूबल हार्मोन, सारा वाटर सोल्यूबल हार्मोन का क्या है, यही बेसिक क्या रहेगा बताइए, मैकेनिज्म रहेगा। अब
आप बताएंगे मुझे कि एनसीईआरटी ने जो एग्जांपल देके रखा है, एनसीईआरटी ने वाटर सोल्यूबल हार्मोन का मैकेनिज्म एक्शन में क्या देके रखा है बताइए, किसका देके रखा है? यहाँ पर देके रखा है FSH, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का देके रखा है, ठीक। तो इसी का भी क्या होगा बताइए, एकदम सेम तरीके से इसका मैकेनिज्म होगा, खाली इसका टारगेट सेल और टारगेट टिश्यू क्या रहेगा, अलग रहेगा, और ये अलग साइक्लिक अलग क्या करेगा बताइए, सेकेंड मैसेंजर प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि मैंने बताया हर एक मतलब जो हार्मोन है ये सेल के अंदर क्या करेगा, अलग अलग सेकेंड मैसेंजर प्रोडक्शन करेगा, और ये जो सेकेंड मैसेंजर यहाँ पर बताया मैंने, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। आई होप दिस आइडिया इज रियली रियली क्रिस्टल क्लियर फॉर यू। अब मैं एक प्रैक्टिस बताऊंगा आपका, किसका बताइए, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो एनसीईआरटी ने देख रखा, आप मेरे साथ क्या करेंगे, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो बेटा इतना तब तक क्या करो, आप कॉपी कर लो। अब यहाँ पर FSH के बारे में बात करने से पहले एक बात और क्लियर करना चाहिए बेटा, ये देखिए यहाँ पर जब हार्मोन एपिनेफ्रिन बाइंड नहीं हुआ तब इसके साथ कौन, ये रिसेप्टर के साथ कौन बाइंड हुआ है बताइए, जी प्रोटीन, ठीक है। जी प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अल्फा सबयूनिट, बीटा सबयूनिट एंड गामा सबयूनिट, और अल्फा सबयूनिट के साथ कौन बाइंड था यहाँ पर, GDP, ठीक है। तो जब यहाँ पर हार्मोन बाइंड हुआ तो ये सबयूनिट क्या हो गया, एक्टिवेटेड हो गया, मतलब स्विच ऑन हो गया। तो स्विच ऑफ होने के बाद क्या हुआ, ये GDP जो था अल्फा सबयूनिट में, GDP कन्वर्ट हो गया किसमें, GTP में, ठीक है। तो GTP लेके अल्फा सब यूनिट अलग हो गया किससे, बीटा गामा सब यूनिट से, ठीक है। और ये तीनों मिलके किसको एक्टिवेट करा था, एडिनाइलेट साइक्लेज। जब इसको एक्टिवेट कर दिया तब क्या होता है, ये अल्फा सब यूनिट का जो GTP ये फिर से क्या हो जाता है, एनर्जी खर्चा हो जाता है, क्योंकि GTP मॉलिक्यूल क्या है, एक एनर्जी मॉलिक्यूल, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका एनर्जी जब खत्म हो जाता है तो ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है बताइए, GDP में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये GDP लेके फिर से क्या हो जाता है, GDP लेके फिर से बीटा गामा सब यूनिट से असेंबल होके यहाँ पर आके फिर से क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है, और ये रिसेप्टर को फिर से क्या हो जाता है, स्विच ऑफ कर देता है, ठीक है, इनएक्टिवेटेड कर देता है, और फर्दर फिर से अगर हार्मोन बाइंड हुआ तो फिर से यही मैकेनिज्म क्या होता है बेटा, चलते रहता है, राइट। तो अब हम देखेंगे कि FSH का एक्शन, ये भी एक वाटर सोल्यूबल हार्मोन, तो आप मुझे बताएंगे कि ये हार्मोन किस तरह से क्या है काम करता है, ठीक है। ऑलरेडी आपको ये मैंने सिखा दिया। हाँ बेटा एक बात और, ये जो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर दिया किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक। तो ये हुआ किसका एक्शन बताइए, एपिनेफ्रिन और एड्रिनलिन का जस्ट वन फंक्शन और वन एक्शन। अब मानिए कि ये एपिनेफ्रिन हटा के, मानिए कि मैं अभी यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, यहाँ पर मानो कि FSH डाल रहा हूँ, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड दिस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट, पिट्यूटरी ग्लैंड से ये रिलीज हुआ। अब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आके क्या हुआ, ये पहले क्या था, इसका जो रिसेप्टर, मान ये सेम ही प्रोसेस जो है सेम ही होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इनएक्टिवेटेड रिसेप्टर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए रिसेप्टर का साइज, शेप और मॉलिकुलर शेप जो है ये ऑब्वियसली क्या होगा, इसका एपिनेफ्रिन और एडिनेलिन का रिसेप्टर का जैसा सेम नहीं होगा, ठीक है, ऑब्वियसली अलग होगा। पर मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि आप जस्ट मानिए कि ये कौन है बताइए, ये हो गया आपका रिसेप्टर, दैट इज द रिसेप्टर फॉर योर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये अलग कर दिया, थोड़ा सा अलग कर दिया। अब ये स्विच ऑफ रिसेप्टर, और स्विच ऑफ रिसेप्टर के साथ कौन बैठा हुआ है बताइए, इनएक्टिवेटेड जी प्रोटीन बैठा हुआ है, ठीक, जो जी प्रोटीन बना हुआ किससे है, अल्फा बीटा एंड गामा सब यूनिट से, और जी प्रोटीन के साथ कौन बाइंड हुआ है, GDP, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक। तो ये जी प्रोटीन विथ दिस रिसेप्टर ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज टुगेदर कॉल्ड जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ऑलरेडी मैंने बताया। तो यहाँ पर ये इनएक्टिवेटेड
किस लिए है? क्योंकि यहाँ पर कोई हार्मोन बाइंड नहीं हुआ। मानो अभी क्या हुआ, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH यहाँ पर बाइंड हो गया। बाइंड हो गया क्या कर दिया, ये जो रिसेप्टर है इसको स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन जब कर दिया तो ये क्या कर दिया, इंट्रा सेलुलर सरफेस में यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक साइट में जो जी प्रोटीन लगा हुआ था अल्फा बीटा गामा सब यूनिट के साथ, यहाँ पर एक्चुअली GDP था, तो GDP रिप्लेस हो गया किससे बताइए, GTP में। और ये क्या हो गया, ये जो होल कॉम्प्लेक्स जी प्रोटीन ये क्या हो गया, एक्टिवेटेड हो गया। एक्टिवेटेड होके क्या हुआ, बीटा गामा कॉम्प्लेक्स अल्फा सब यूनिट से क्या हो गया, अलग हो गया विथ GTP। तो इन्होंने फिर से फर्दर क्या किया बताइए, एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट कर दिया। और एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करा, ATP मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर दिया किसमें, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और इसके अलावा और एक सेकेंड मैसेंजर इन्होंने बना सकता है FSH ने, जिसका नाम क्या है, कैल्शियम आयन। ठीक है, दोनों में से कोई एक को बनाएगा। अब ये दोनों क्या करेगा, ये दोनों आके इनएक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। अगर यहाँ पर कैल्शियम सेकेंड मैसेंजर हुआ तो यहाँ पर चार मॉलिक्यूल्स कैल्शियम क्या होगा, यहाँ पर आके बाइंड हो गया हो जाएगा। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि यहाँ पर प्रोटीन काइनेज ही रहेगा, कोई और भी रह सकता है, बट मैकेनिज्म इज सेम। तो ये इनएक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज को फिर से किस में कन्वर्ट कर देगा, एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ए में कन्वर्ट कर देगा। अब प्रोटीन काइनेज ए क्या करेगा, यहां पर पहले तो कौन सा हार्मोन काम कर रहा था बताइए, पहले काम कर रहा था आपका एपिनेफ्रिन। अब एपिनेफ्रिन के लिए यहाँ पर फॉस्फोराइलेज काइनेज जरूरी था, पर यहाँ पर तो FSH है तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर कौन है बताइए, आपका ये चाहिए FSH ही, ये चाहिए फॉस्फोराइलेज काइनेज को ही एक्टिवेट करना पड़ेगा, इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं मिटा देता है इसको, राइट, एक मिनट। अब ये एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ए क्या करेगा बेटा, सेल के अंदर कुछ स्पेशलाइज क्या होगा बताइए, प्रोटीन। सेल के अंदर क्या होगा बताइए, कुछ स्पेशलाइज इनएक्टिवेटेड प्रोटीन होगा। ठीक है, तो ये इनएक्टिवेटेड प्रोटीन को इनएक्टिव प्रोटीन होगा। ठीक है, इनएक्टिव प्रोटीन या इनएक्टिव एंजाइम होगा। तो ये इनएक्टिव प्रोटीन या इनएक्टिव एंजाइम के ऊपर जाके जब एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ए काम करेगा ना, तो ये इनएक्टिव प्रोटीन देन वेरी क्विकली कन्वर्ट इंटू एक्टिवेटेड प्रोडक्ट। एक्टिवेटेड प्रोडक्ट में ये क्या हो जाएगा बताइए, कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, एक्टिवेटेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ये एक्टिव प्रोडक्ट। और ये एक्टिव प्रोडक्ट क्या करेगा, इसके ऊपर मतलब एक्टिवेटेड कैसा होगा, ये प्रोटीन काइनेज ए एक्चुअली इसके ऊपर क्या लगा देगा बताइए, फॉस्फेट लगा देगा। मतलब ये जो प्रोटीन है इसको क्या कर देगा, फॉस्फोराइलेशन ऑफ दिस प्रोटीन, यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन कर देगा, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन। और जब फॉस्फेट लगा देगा ये इनएक्टिव प्रोटीन के ऊपर, तो ये प्रोटीन क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और ये क्या करेगा, बायोलॉजिकल एक्शन करने लगेगा, कोई फंक्शन करने लगेगा, जो अपना सेल का फिजियोलॉजी के ऊपर, बॉडी का फिजियोलॉजी के ऊपर क्या करेगा, रेस्पॉन्स देगा। एक्चुअली ये फाइनली क्या करेगा, FSH ओवरियन ग्रोथ कराएगा, ग्रोथ ऑफ ओवरी, राइट, ओवरियन ग्रोथ, GROWTH, राइट। तो ये सेम तरीके से क्या करता है बेटा, थोड़ा सा लिटिल बिट मॉडिफिकेशन से क्या करता है, सेम मैकेनिज्म से ये आपका वाटर सोल्यूबल का जो हार्मोन है ये फंक्शन करता है। आई होप इट्स एंजॉयबल फॉर यू। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लिपिड सोल्यूबल हार्मोन एक्शन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लिपिड सोल्यूबल हार्मोन। सो माय डियर, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट the mechanism of action of lipid soluble hormone, right? तो यहाँ पर मैंने आपके लिए draw किया एक बहुत ही बड़ा cell, really big cell for you, right? ये एक cell है, ठीक? तो मानिए कि यहाँ पर कुछ lipid soluble hormone secrete हुआ, ठीक, ये मानिए कि लिपिड सोल्यूबल हार्मोन, ठीक, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये हो गया आपका लिपिड सोल्यूबल हार्मोन, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन।
ठीक है। तो लिपिड सोल्यूबल हार्मोन आप जानते हैं कि मोस्टली दिस हार्मोन इज कॉल्ड स्टेरॉयड हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन, ठीक। तो स्टेरॉयड हार्मोन इज एक्चुअली सिंथेसाइज फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, और उसी में से एक हार्मोन का एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते जो एनसीईआरटी ने मेंशन करा। मानो कि ये जो हार्मोन है इसका नाम है ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन, ठीक है। ईस्ट्रोजन क्या है, एक लिपिड सोल्यूबल हार्मोन, और इसको स्टेरॉयड हार्मोन भी बोला जाता है। एंड ईस्ट्रोजन इज एक्चुअली द चैंपियन और ब्यूटीफुल हार्मोन फॉर फीमेल, राइट। तो ये हार्मोन क्या करेगा, ये हार्मोन के लिए टारगेट सेल कौन हो गया, ये जो सेल है दिस सेल इज एक्चुअली द टारगेट सेल फॉर आवर ईस्ट्रोजन, राइट। ये ईस्ट्रोजन के लिए क्या है बेटा, टारगेट सेल है, ठीक। तो अभी ये सेल के ऊपर ईस्ट्रोजन किस तरह से काम करेगा यही हमको देखना है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो ये जो आपका लिपिड सोल्यूबल हार्मोन, इट कैन डायरेक्टली पास द सेल मेम्ब्रेन, राइट। और एक बात आपको जानना जरूरी है, ये जो सेल मेम्ब्रेन, मानो कि ये सेल मेम्ब्रेन का ए पार्ट मैं क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, राइट, जूम करके ओपन कर रहा हूँ, ठीक। तो सेल मेम्ब्रेन इज एक्चुअली बाइलेयर, राइट, और ए बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एटसेट्रा, राइट। ये है बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन, मानिए कि ये बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन, जस्ट राफली मैं बना रहा हूँ, ठीक। तो आप ये जान चुके हैं कि दिस लिपिड सोल्यूबल हार्मोन कैन डायरेक्टली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड कैन एंटर इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ये कौन सा जगह है बेटा, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म में ये एंटर कर चुका है, साइटोप्लाज्म में ये क्यों आ सकता है, क्योंकि ये लिपिड सोल्यूबल हार्मोन, और ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड। अब यहाँ पर क्या है, ये जो हार्मोन है, हार्मोन इज रियली रियली एंटर इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ सेल, मानी कि ये सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये हार्मोन क्या करेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये एंटर कर जाएगा, कहाँ पर बताइए, न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, यहाँ पर पार्टिकुलर क्या रहता है, मतलब फ्लूइड रहता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते बेटा, ये जो फ्लूइड है यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये अभी एंटर कर चुका है कहाँ पर, न्यूक्लियो, न्यूक्लियो प्लाज्म में, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस के अंदर ये हार्मोन के लिए क्या है, पार्टिकुलर रिसेप्टर है, क्या है बेटा, ये हार्मोन के लिए एक्चुअली पार्टिकुलर रिसेप्टर है, ठीक है। लिपिड सोल्यूबल हार्मोन का रिसेप्टर कहाँ पर रहेगा बताइए, इनसाइड द सेल, ठीक है। अब ये रिसेप्टर के साथ, न्यूक्लियस के अंदर ये रिसेप्टर के साथ कौन बाइंड हो गया बताइए, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन बाइंड हो गया। अब ये हार्मोन और रिसेप्टर का ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते बेटा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ये न्यूक्लियस के अंदर आके कौन सा हार्मोन, ऐसा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है बताइए, स्पेशली इट इज लिपिड सोल्यूबल हार्मोन। और आपका वाटर सोल्यूबल हार्मोन कभी भी सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकता, ये आप जानते हैं। अब देखिए, न्यूक्लियस इज द मास्टर फॉर स्टोरिंग द जेनेटिक मटेरियल, यू नो बेटा, ये जेनेटिक मटेरियल जो है ये न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है, स्टोर होता है। ये हो गया आपका क्रोमोसोम, ठीक है। एंड यू नो वेरी वेल, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ, ईच एंड एवरी क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ वन डबल स्टैंडर्ड सिंगल लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक। ये एक सिंगल स्टैंडर्ड क्या रहेगा बताइए, डीएनए मॉलिक्यूल से बना हुआ रहेगा, राइट। ये गंदा डायग्राम बना, इसको मैं मिटा था, ठीक। तो ये क्रोमोसोम जो है बेटा, ये एक्चुअली किससे बना हुआ है बताइए, अरे यार इसको क्रोमोसोम इज एक्चुअली, ये क्रोमोसोम
को मैं ओपन करता हूँ एंड दिस क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए, राइट, लाइक दैट. ठीक, डीएनए से बनता है. ये हो गया आपका डीएनए, डीएनए. ठीक है, ये सारा किसके अंदर हो रहा है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है. एंड यू नो वेरी वेल, डीएनए कॉन्टेन जीन. जीन क्या है बेटा? जीन इज ए पार्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ए फंक्शनल आरएनए. ठीक है बेटा, तो ये क्या करता है, जो लिपिड सोल्यूबल हार्मोन, ये मैक्सिमम क्या करता है, सेल के अंदर आके डीएनए को कंट्रोल करता है और जेनेटिक मटेरियल मीन क्रोमोसोम को भी क्या करता है बताइए, कंट्रोल करता है. मतलब जीन का स्विच ऑफ और स्विच ऑन होना, जीन का एक्टिविटी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है. ठीक है, तो अब क्या होता है, ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये आके क्या करता है बताइए, ये आके बाइंड हो जाता है किसके ऊपर बताइए, ये आके बाइंड हो जाता है, लॉक हो जाता है किसके साथ बताइए, ये डीएनए के साथ लॉक हो जाता है. ये मानो कि पार्टिकुलर एक जीन है, ये जो सेगमेंट है डीएनए का, इट इज दिस सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, राइट, GENE. मैंने जीन का डेफिनेशन आपको बताया, जीन इज ए पार्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए फंक्शनल आरएनए. ठीक है, तो अब क्या होता है, ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स आके लिपिड सोल्यूबल हार्मोन का आके बाइंड हो गया किसके साथ बताइए, डीएनए के साथ. अब डीएनए पहले क्या था बताइए, डीएनए, ये जो डीएनए है ये पहले स्विच ऑफ था. ठीक है, अब जब भी ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के साथ क्या है बताइए, डीएनए के ऊपर ये बाइंड हुआ हार्मोन, तो ये डीएनए रियली रियली क्या हो गया बताइए, स्विच ऑन. और जब स्विच ऑन हो गया डीएनए, तो यहाँ पर ये हार्मोन क्या करा बताइए, स्टिमुलेट करा डीएनए से क्या बनाने के लिए बताइए, आरएनए बनाने के लिए. ठीक है, ये डीएनए से क्या बना दिया बताइए, आरएनए. और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, तो यहां पर क्या कर दिया, ये हार्मोन विथ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या कर दिया, डीएनए का ये जो जीन है, जीन को स्विच ऑन कर दिया. और जीन अगर स्विच ऑन होता है तो क्या बनाता है, डीएनए से क्या बन जाता है बताइए, आरएनए. एक्चुअली ये क्या हुआ बताइए, एमआरएनए, एमआरएनए. ठीक है, और आप जानते हैं एमआरएनए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. ठीक है, बट प्रोटीन बनने के लिए, एमआरएनए से प्रोटीन बनने के लिए ये कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता. तो न्यूक्लियस के दिस एमआरएनए इज नीड टू एक्सपोर्ट, दिस एमआरएनए इज नीड टू एक्सपोर्ट फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल. तो ये क्या करेगा बताइए, ये आपका एक्सपोर्ट होके, न्यूक्लियर पोर से एक्सपोर्ट होके ये आ जाएगा कहाँ पर बताइए, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा. ठीक है, तो अभी ये जो आपका एमआरएनए ये कहाँ पर आ गया एक्सपोर्ट होके, ये आ गया आपका साइटोप्लाज्म में. ठीक है, देखिए बेटा ये हार्मोन क्या का काम करता है, साइटोप्लाज्म में आके यहाँ पर, ये जब भी साइटोप्लाज्म में आया तो ये जो आपका एमआरएनए है, एमआरएनए के ऊपर आके बैठ गया राइबोसोम. कौन बैठ गया बेटा, यहाँ पर आके बैठ गया कौन बताइए, राइबोसोम. ठीक है, तो आप जानते हैं राइबोसोम इज द फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, राइट. राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए. ठीक, तो राइबोसोम जब बाइंड हुआ एमआरएनए के ऊपर, तो एमआरएनए को, राइबोसोम एमआरएनए को क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया प्रोटीन में. ठीक है, ये एक क्या करा, खास प्रोटीन बनाया. ठीक, ये जो है यहाँ पर एक प्रोटीन बन गया, PROTIN, प्रोटीन बन गया. ठीक, तो ये जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस से क्या हुआ, एमआरएनए से प्रोटीन बना, ये प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन. ठीक है, तो ये जो प्रोटीन सेल के अंदर बना, ये एक्चुअली इनिशियली मतलब फाइनली किसके इफेक्ट से बना बताइए, ये लिपिड सोल्यूबल हार्मोन के वजह से बना. ठीक, अब ये प्रोटीन क्या करेगा, दिस प्रोटीन इज गिव द बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स टू दिस सेल.
ये क्या करेगा, ये प्रोटीन क्या करेगा, गिव द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जी आई वी, गिव द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, रेस्पॉन्स, ठीक है। और बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स में ये ईस्ट्रोजन एक्चुअली क्या करेगा बेटा, इट्स इट इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर टिश्यू ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। ये ओवरी में जाके काम करेगा, ये ओवरी में जाके ये टिश्यू का ग्रोथ करा देगा और डिफ्रेंशिएशन करा देगा, मतलब कौन सा टिश्यू को ग्रोथ कराएगा, ये इट इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूटरस, किसका ग्रोथ करेगा बताइए, एंडोमेट्रियम ऑफ यूटरस, ठीक है। दैट इज द होल आइडिया ऑफ लिपिड सोल्यूबल हार्मोन एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ लिपिड सोल्यूबल हार्मोन। आई होप यू एंजॉय लॉट एंड इट क्लियर योर सेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू फॉर सपोर्ट द बोला बायोलॉजी वर्ल्ड। बाय बच्चों। और इसके साथ और एक बड़ा और रियली रियली बिग चैंपियन टॉपिक आपका खत्म हो गया, राइट। बाय बच्चों।